नहीं चलेगा। प्रदर्शन करते और पार्टी ऑफिस के बाहर जमा ये लोग कोई और नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं। इनका आरोप है कि एमसीडी में चुनाव के लिए टिकट बांटने में कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है, जबकि इलाके के बाहर रहने वाले लोगों को टिकट दिया गया। इन असंतुष्ट लोगों का कहना है कि केजरीवाल अपने सिद्धांतों को भूल गए, अब वो भी वही राजनीति कर रहे हैं जो दूसरी पार्टियां करती रही हैं। मैं वार्ड नंबर 82 से आया हूं और मैं 3.5 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ हूं और मैंने पार्टी के साथ में काफ़ी जमीनी स्तर पर काम किया है। वहाँ पर सोनिया विहार की पानी का जो क्राउन प्लाजा होटल से एक लैंड नहीं डलनी थी उसको मैंने डलवाया है वहाँ पर, और उसके अलावा काफ़ी काम किए हैं। और केजरीवाल साहब को मिलकर मैं कई बार उसके लिए डिस्कस करके गया हूँ। केजरीवाल साहब को अच्छा मालूम था कि नानी सिंह अच्छी तरह काम कर रहा है, मगर क्या इस बार वहाँ के विधायक ने बिल्कुल अनदेखी की है। वहाँ पर किसी भी ज़मीनी स्तर के लेवल के आदमी को उन्होंने नहीं किया देखा भी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वहाँ पर काम। और एक नई लेडी नीलम अग्रवाल नाम जिसका जिसको अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है, वो अभी 6 महीने से जस्ट वो उनके साथ ज्वाइन हुई है। उनका आपस में कोई उनका हस्बैंड जो बिल्डर का काम करता है वो उनके साथ उनका यार दोस्त है उनके विधायक का, और उसने उसके लिहाज से उसको जा करके टिकट दे दिया नीलम अग्रवाल को। पिछले 10 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाते रहे हैं, अब वो खुद ही भाई भतीजावाद के साथ रुपए लेकर टिकट दे रहे हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पंजाब के चुनाव में रुपए लेकर टिकट दिए थे। तक रात तक कल तक इन 109 लोगों का बायोडाटा सामने आएंगे और हमें जानकारी मिलेगी कि इनमें से कई लोगों को टिकट खरीदे बेचे भी गए होंगे। केजरीवाल जी के ऊपर पंजाब में भी आरोप लगे थे पैसे लेकर टिकट देने के, तो ऐसे आरोप भी सामने आएंगे। और शायद जो उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि अन्य दलों में होता था वो उनका अपना मानना होगा, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मगर उनके यहाँ अगर हुआ है तो उसका एक बड़ा कारण है कि केजरीवाल को आदत पड़ गई है पैसे लेकर टिकट देने की। चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर अक्सर कार्यकर्ता और पार्टी में खींचतान होती है, पर सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी ने जिन सिद्धांतों को लेकर राजनीति के अखाड़े में उतरी थी उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया है। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट।